हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। 20 जून 2019 की प्रीलिम्स अल्बर्टा सीरीज में आपका स्वागत है। आज की इस डिस्कशन में हम 19 और 20 जून की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं उनको हम कवर करने वाले हैं। एक्चुअली कल हमारी डिस्कशन है वो नहीं हो पाई थी क्योंकि कल मेरे पास कहीं से इंटरनेट की एक्सेस नहीं थी, तो मैं लेक्चर वगैरह वो नहीं प्रिपेयर कर पाया था। कल मैं एक्चुअली आउटसाइड था स्टेशन से, इसलिए। तो देखते हैं आज पहली न्यूज़। पहली जो न्यूज़ है वो है डेड जोन को लेकर। कंटेक्स्ट ये है कि अभी रिसेंटली साइंटिस्ट हैं, फिर जो इन्वायरमेंट के जो लोग चिंतक लोग हैं, उन्होंने गल्फ ऑफ मेक्सिको में एक डेड जोन होने की बात है वो की है। तो सबसे पहले तो हम गल्फ ऑफ मेक्सिको की लोकेशन देखते हैं, फिर आगे फैक्ट को कवर करेंगे। देखो ये होगा यहाँ पे यूएसए, और यूएसए के इधर नीचे की हम बात करें साउथ में तो है मेक्सिको, और मेक्सिको और यूएसए के जो ये वाला हिस्सा आपको दिख रहा है यहाँ पे, हम एक तरीके से कह सकते हैं इसको साउथ ईस्ट वाला हिस्सा, इस वाले हिस्से में है गल्फ ऑफ मेक्सिको जो कि विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है एक। अब गल्फ ऑफ मेक्सिको में एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये देखो एक रिवर आ रही है यहाँ पे, ये रिवर आपको दिख रही होगी मिसिसिपी रिवर है। यहाँ पे थोड़ा जूम करके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे मिसिसिपी रिवर है, और फिर यहाँ पे मिसिसिपी रिवर का एक डेल्टा है यहाँ पे। अब होता क्या है कि मिसिसिपी रिवर के का डेल्टा है, इसलिए यहाँ पे काफ़ी सारे न्यूट्रिशंस वगैरह हैं, जो नाइट्रोजन्स वगैरह हैं जो इनको मिल जाते हैं इस वाले एरिया में, तो इसलिए यहाँ पे यूट्रोफिकेशन की वजह से काफ़ी सारी एल्गी ब्लूम है वो जनरेट हो जाते हैं, और उसकी वजह से यहाँ पे डेड जोन क्रिएट हो जाते हैं। अब आपके दिमाग में आओगे कि डेड जोन होता क्या है, तो देखो सिंपल सी अगर हम बात करें बहुत ही सीधी लैंग्वेज में, तो डेड जोन का मतलब ये होता है कि वो एरिया जहाँ पे कोई भी स्पीसीज है वो मतलब रह नहीं पाती है, या एक तरीके से उसको प्रॉपर ऑक्सीजन की मात्रा नहीं मिल पाती है, तो वहाँ पे क्या होता है कि स्पीसीज मरने लग जाती हैं, और ना ही वहाँ पे मछली वगैरह और भी तरह की स्पीसीज हैं वो नहीं रह पाती हैं। रीजन क्या होता है? रीजन देखो ये होता है कि पानी में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो जाती है, तो इसलिए वहाँ पे जीवन संभव नहीं हो पाता है। अब जीवन संभव इसलिए नहीं हो पाता कि ओब्वियसली भाई ऑक्सीजन नहीं है, तो लोग जो मतलब कि जो भी स्पीसीज हैं यहाँ पे वाटर स्पीसीज हैं वो रह नहीं पाएंगी। इसके साथ से मैंने आपको बताया कि एल्गी ब्लूम आ जाता है मेनली समर सीजन में, क्योंकि काफ़ी सारे जो न्यूट्रिशंस हैं वो मिसिसिपी रिवर है वो अपने साथ बहा के लाती है और इस गल्फ में छोड़ देती है, तो यहाँ पे बड़ी मात्रा में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो बढ़ते हैं, उनका मेटाबॉलिज्म है वो एक्सीलरेट होता है, और उसकी वजह से यहाँ पे एल्गी ब्लूम आ जाता है, और एल्गी ब्लूम आने की वजह से पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम है वो हो जाती है, क्योंकि एल्गी ब्लूम क्या करेगा पानी की ऑक्सीजन को अब्जॉर्ब कर लेगा, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा काफ़ी कम है हो जाती है, और एक डेड जोन क्रिएट है वो हो गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई डेड जोन है कहाँ पे। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है वर्ल्ड का हाईएस्ट वेदर स्टेशन है जो कि अभी माउंट एवरेस्ट पे स्थापित किया गया है। देखो माउंट एवरेस्ट है उसमें पहले से ही ऑलरेडी 5 वेदर स्टेशन है वो डेवलप किए गए हैं। एक तो आपको यहाँ पे दिख रहा वगैरह बालकोनी एरिया है जो कि लगभग 8,430 मीटर की हाइट पे है। इसी के साथ एक साउथ कोल है जो कि है लगभग 8,000 मीटर के ऊपर। फिर एक है यहाँ पे पोर्टेज जो है कि लगभग 3,500 या 4,000 मीटर के नियर बाई। एक है यहाँ पे एवरेस्ट बेस कैंप जो है लगभग 5,315 मीटर पे, और एक है स्टार्टिंग में कैंप 2 जो है 6,464 मीटर पे। तो अभी एक सबसे ऊंचा मतलब जो माउंट एवरेस्ट का जो ऊपर वाला हाईएस्ट पीक है जिसको बेसिकली जाना जाता है एवरेस्ट डेथ जोन, जो डेथ जोन वाला हिस्सा है वहाँ पे कम कपाने वाली ठंड होती है उस वाले हिस्से में एक वेदर स्टेशन को डेवलप है वो किया गया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। होगा क्या, ओब्वियसली वेदर की स्टडी की जाएगी कि जहाँ पे विंड है उसमें किस तरीके की डायरेक्शन है उसकी, इसके साथ ही विंड प्रेशर कैसा है, यहाँ पे बैरोमेट्रिक प्रेशर को चेक किया जाएगा, रिलेटिविटी ह्यूमिडिटी को देखा जाएगा, टेम्परेचर को मापा जाएगा, इसके साथ ही जेट स्ट्रीम है उनकी भी स्टडी है वो की जाएंगी, तो ये सारी स्टडीज की जाएंगी और इससे देखा जाएगा कि भाई इसका हिमालय पे क्या इम्पेक्ट है वो पड़ रहा है, तो ये सारे काम यहाँ पे किए जाएंगे। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वह है ऑपरेशन सनराइज को लेके। देखो ऑपरेशन सनराइज है ना, ये बेसिकली इंडिया और म्यांमार दोनों ही कंट्री के द्वारा एक चलाया गया ज्वाइंट इनिशिएटिव है। ये ऑपरेशन सनराइज का मोटो ये था कि इंडिया और म्यांमार का बॉर्डर है ना, आपको बताया कि इंडिया और म्यांमार दोनों बॉर्डर टच शेयर करते हैं, तो इसलिए इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर में क्या होता है कुछ इंसर्जेंट ग्रुप मतलब कि कुछ असामाजिक तत्व बोल सकते हो, या फिर कुछ ऐसे मिलिटेंट्स ग्रुप हैं जो कि एक दूसरे कंट्री के जो प्रोजेक्ट हैं इनको हानि पहुंचाते हैं, वहां पे गवर्नमेंट कोई भी डेवलपमेंट करती है तो उसको नुकसान पहुंचाते हैं, तो ऐसे इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं उनको खत्म करने के लिए ही ये इनिशिएटिव या ये ऑपरेशन सनराइज है वो स्टार्ट किया गया था।
नहीं, आपको ध्यान रखना है कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं उनके कैंपों को खत्म करने के लिए इंडिया और म्यांमार, ध्यान रखना ये जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं ये अकेले इंडिया में नहीं आते हैं, ये जैसे कि इंडिया के अंदर भी कोई प्रोजेक्ट है उसको नुकसान पहुंचाते हैं। इसके साथ ही बात करें म्यांमार है वहां के प्रोजेक्ट को भी ये नुकसान हो पहुंचाते हैं। तो इन सबको खत्म करने के लिए जिनके कैंप हैं इनके लिए ऑपरेशन सनराइज वो स्टार्ट किया गया था। इसी के साथ ही हम बात करें कि भाई ये ऑपरेशन मतलब ये मिलिटेंट ग्रुप कौन से प्रोजेक्ट को न्यूज नुकसान पहुंच रहे थे मेजरली। देखो अभी एक प्रोजेक्ट न्यूज में था, एक बार हम उसी को देख लेते हैं फिर आगे न्यूज डिस्कस करेंगे। वो था यहाँ पे कालादान प्रोजेक्ट, काफी टाइम से वैसे न्यूज में है ऐसी बात नहीं है। जो कालादान प्रोजेक्ट है ना इसका मोटो क्या है, एक सेकेंड, हाँ कालादान प्रोजेक्ट का मोटो यह है कि इंडिया का जो कोलकाता वाला, या हम बात करें वेस्ट बंगाल है उसमें जो पोर्ट है कोलकाता, उस पोर्ट को म्यांमार का एक क्षेत्रीय पोर्ट है वहां तक कनेक्ट करना, और फिर उसके थ्रू जो इंडिया का नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा है मिजोरम है वहां तक कनेक्टिविटी को सुनिश्चित करने के लिए। अभी देखो क्या सीन है, जैसे ये हो गया हमारा इंडिया का यहाँ पे मैप, और फिर आपको पता है कि यहाँ पे ऊपर इस तरीके से लोकेशन है। तो होता क्या है कि जैसे ये मिजोरम वाला हिस्सा है यहाँ पे जाने के लिए हमें ये चिकन ने क्या जो पतला सा स्टेज है ना यहाँ होके जाना पड़ता है इस रास्ते से, जो कि काफ़ी मतलब महंगा भी है और काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग भी है। तो इसलिए इंडिया चाहता है कि भाई जो नॉर्थ ईस्ट वाला ये जो हिस्सा है ना मिजोरम वाला, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ तक कनेक्टिविटी का कोई डायरेक्ट शॉर्टकट हो या तो बांग्लादेश के थ्रू एक्सेस मिले, पर आपको पता है बांग्लादेश भी कई बार टांग अड़ाता रहता है। इसलिए एक तीसरा मतलब रास्ता खोला गया फ्रंट, वो ये है कि भाई पहले कोलकाता से हम म्यांमार जाएंगे सीधा डायरेक्टली सी रूट के थ्रू लगभग 550 किलोमीटर। इसके बाद में यहाँ पे क्या है जो सितवे पोर्ट है ना ये बेसिकली यहाँ पे कालादान रिवर है इसके मतलब डेल्टा के किनारे पे ही है। तो यहाँ से फिर धीरे धीरे जो मतलब कालादान रिवर है इसके सारे सारे जाया जाएगा, और फिर लास्ट में जब इंडिया में एंट्री करनी होगी तो लगभग 129 किलोमीटर पैदल मतलब जो सॉरी रोड रूट होगा उसके थ्रू एक्सेस वो रहेगी। तो मतलब इसमें एक तरीके से सी रूट भी है, इसके साथ में इसमें रिवर रूट भी है, और इसी के साथ इसमें रोड रूट भी है। इन तीनों रूट के थ्रू इंडिया के मिजोरम स्टेट के साथ कनेक्टिविटी की जाएगी। मिजोरम के मतलब इसके साथ मणिपुर भी हो गया, ऑब्वियसली जो और स्टेट हो गए पास वाले त्रिपुरा वगैरह इनमें भी कनेक्टिविटी हो जाएगी। तो ये प्रोजेक्ट मेनली स्टार्ट किया गया था। अब देखो क्या था कि जो इंसर्जेंट ग्रुप्स है ना वो इस वाले प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंच रहे थे बार बार, मतलब इसको डेवलप नहीं होने दे रहे थे। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने ये ऑपरेशन सनराइज है दोनों गवर्नमेंट ने मिलकर स्टार्ट है वो किया था। फिर यहाँ पे और भी जैसे कुछ से इंडिया में इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, जैसे कि एक तो है खापलांग है। देखो खापलांग, इसाक महुआ, आपने तीन नाम सुने होंगे, एक्चुअली क्या है थोड़ा मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। नागालैंड है ना वो आपको पता है बाद में काफ़ी लेट एक स्टेट है वो बनाया गया था इंडिया में। तो नागालैंड में बेसिकली तीन ग्रुप है मेनली, एक तो है इसाक, एक है महुआ और एक है खापलांग। हाँ ये तीन ग्रुप है ना, इसाक और महुआ तो पहले ये पहले इन दोनों की आपस में लड़ाई रहती थी, बट बाद में इन दोनों में तो समझौता हो गया और इसाक और महुआ आप क्या चाहते हैं कि भी नागालैंड है उसकी ऑटोनॉमी बरकरार रहे और नागालैंड के अंदर डेवलपमेंट वगैरह हो। मतलब इसाक और महुआ नागालैंड की ऑटोनॉमी को तो बना के रखना चाहते हैं, बट वहाँ पर ऐसा नहीं चाहते कि भाई नया स्टेट वगैरह बनाया जाए, इस गवर्नमेंट के साथ मिलकर भी काम करते हैं। बट जो खापलांग है ना, ये तीसरा ग्रुप रह गया खापलांग, ये क्या चाहता है कि नागालैंड को हटाकर और जो कुछ एरिया इसके आसपास का है उसको लेके एक ग्रेट नागालैंड नाम का एक नया देश है वो डेवलप किया जाए, जो कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं मतलब बिल्कुल ही इसको एक्सेप्ट नहीं करने वाली है। तो ये खापलांग है, ये एक इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, तो गवर्नमेंट इसको ख़त्म करने के लिए काफ़ी सारे स्टेप है वो उठा रही है। और अभी वहाँ पर जो इंसर्जेंट ग्रुप्स के कैंप थे इसमें इनके खापलांग के ग्रुप जो कैंप थे इनको भी हटाया है, वो खदेड़ा है, वो गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसाक मोर और खापलांग में क्या क्या डिफरेंस है, ये कहाँ के लिए मतलब कौन से ग्रुप्स हैं, कई बार यूपीएससी पूछ लेती है। बाकी जो कलादान प्रोजेक्ट वाला पॉइंट्स था वो हमने यहाँ पे देख ही लिया कि भाई जो कलकत्ता है उसको सितवे पोर्ट तक कनेक्टिविटी दी जाएगी, ये लगभग 1328 किलोमीटर का स्ट्रेस है वो मतलब डिस्टेंस है वो कम हो जाएगी। अभी क्या है इंडिया को जो आपको बताया कि आगे से ऊपर वाला हिस्सा है यानी कि हम बात करें चिकन ने कॉरिडोर है वहाँ से घूमते हुए इधर नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाना पड़ता है, तो काफ़ी लंबा रूट हो जाता है। तो इसलिए शॉर्टकट के लिए ये रास्ता है वो स्टार्ट किया गया है, मतलब नॉर्थ ईस्ट के एरिया में डेवलपमेंट को सुनिश्चित है वो प्रोजेक्ट को करेगा। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट। देखो लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट का मतलब ये होता है
कि एक जो एरिया है, जैसे मान लो कि एक ही एरिया हो गया, वो एक ही एरिया होगा, इस एरिया में पानी की जरूरत है, तो होगा क्या, वाटर पंप वगैरह इनकी हेल्प से, मतलब कोई भी मैकेनिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी है, इनकी हेल्प से क्या होगा, इस वाले एरिया का पानी है इसको उठा के पंप वगैरह किसी से भी इस वाले रिवर में या ये जो यहाँ पे मतलब कोई भी उसका कैनाल वगैरह, इसमें पानी ट्रांसफर किया जाएगा और फिर उस पानी का यूज़ है वो इरीगेशन सेक्टर में किया जाएगा। लिफ्ट का मतलब उठाना, तो यहाँ से पानी उठाया फिर इसको सिंचाई के रूप में यहाँ पे यूज़ है वो किया जा रहा है। तो ये होता है लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट। कालेश्वरम जो लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है ये है कहाँ का, ये तेलंगाना का है। ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। और इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या होता है ओबियसली रिवर के बारे में, तो एक तो है प्राणहिता रिवर और एक है तो गोदावरी। तो प्राणहिता और गोदावरी रिवर है, इनके ऊपर बेसिकली बनाया जा रहा है कालेश्वरम लिफ्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट, जो कि तेलंगाना का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है कालेश्वरम। और उस सॉरी विलेज है, उस गांव में एक तरीके से जो इरीगेशन है, सिंचाई की सुविधा है, पीने का पानी भी है, वो भी मुहैया करवाया जाएगा। तो ये आपको फिर ध्यान रखना कि भाई कालेश्वरम लिफ्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट है क्या और लिफ्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है REC AA, यानी कि रीजनल कोऑपरेशन एग्रीमेंट ऑन कॉम्बेटिंग पायरेसी एंड आर्म रोबरी अगेंस्ट शिप इन एशिया इंफॉर्मेशन शेयरिंग सेंटर है क्या, थोड़ा वो हम देखते हैं। देखो कंटेक्स्ट ये है कि भी जो इंडियन कोस्ट गार्ड है ना, उसने एक इंडियन कोस्ट गार्ड ने 12वां कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप, किस लिए कि भाई जो इंडियन ओशन वाले एरिया ना, इसके अंदर कोई भी शिप है उसकी पायरेसी ना हो, मतलब वो चोरी तरीके से ना की जाए, इसके साथ उसकी रोबरी लूटा ना जा सके, इन सब के लिए जो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग सेंटर है इसकी एक वर्कशॉप आयोजित की है, ताकि वो आपस में मतलब वर्कशॉप होगी, एक सेमिनार होगी, तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ों को डिस्कस है वो क्या जाएगा। ये है यहाँ पे इसका कंटेक्स्ट। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग सेंटर है ना, वो बेसिकली बनाया कहाँ पे गया है, ये मेनली बनाया गया है सिंगापुर में। एक तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। ये सेंटर करेगा क्या, ये सेंटर काम ये करेगा कि जो भी शिप इस वाले रूट से जाती हैं उनकी सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी, उनकी सिक्योरिटी है उसको सुनिश्चित करेगा। मतलब जैसे कि ये मान लो कि इंडिया के पास से कोई शिप जा रही है, तो ये इंडिया को बता देगा कि भाई आपके पास से इस कंट्री की शिप जा रही है, तो आप मतलब इस पर थोड़ा फोकस करेगी इसकी मेरीटाइम सिक्योरिटी को सुनिश्चित किया जा सके, या फिर कोई दूसरी कंट्री है उसको बोला जाएगा कि भाई आप है अपने एरिया में तो उसकी सिक्योरिटी को सुनिश्चित करें, ताकि कोई भी पायरेसी ना हो, कोई भी शिप को लूटा ना जा सके, इन सारे कामों को अंजाम देने के लिए ही ये जो सेंटर है, इंफॉर्मेशन सेंटर है, वो डेवलप किया गया है। और अभी इंडिया में इसकी वर्कशॉप है वो आयोजित की गई है, ताकि एक तरीके से आपको बताया कि थोड़ा मतलब बोनस बूस्ट है वो मिल सके। अभी तक 20 कंट्रीज हैं जिन्होंने ये REC AA है ना, इसको साइन है, इस मेंबर को मतलब इसके मेंबर है वो बनी हुई हैं। अब आपके दिमाग में होगा भाई REC AA है क्या, ये बेसिकली एक रीजनल गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट है। मतलब जो हम बात करें कि इंडियन ओशन के आसपास वाला एरिया हो गया, इसके अंदर जो भी गवर्नमेंट हो गए हैं, उन्होंने सारी गवर्नमेंट्स ने आपस में मिलके एग्रीमेंट साइन किया है, जिसका डील काम ही होगा कि भाई पायरेसी ना हो इस वाले एरिया में, और इसी के साथ ही रोबरी ना हो सी के अंदर कोई भी शिप वगैरह की, इसके लिए सुनिश्चित करने के लिए स्टेप है वो उठाया गया है। तो ये इस टाइप का अपने आप में एक फर्स्ट रीजनल एग्रीमेंट है जो कि बेसिकली शिप सिक्योरिटी को सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है सीपरी। सीपरी की फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। पहले देखते हैं कंटेक्स्ट। कंटेक्स्ट ये है कि 2019 की ईयर बुक ऑफ स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो पब्लिश की गई है। अब ये जो स्टॉकहोम पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना, ये बेसिकली स्वीडिश गवर्नमेंट के द्वारा सपोर्टेड फंड है वो उसको दिया जाता है। अब है क्या वो देखते हैं। देखा थोड़ा नाम से आपको पता चल रहा होगा कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे पीस को प्रमोट करने के लिए उसको लोग ये रिसर्च वगैरह करता है। तो बेसिकली इसके तीन काम हैं। एक तो ये है कि जो कॉन्फ्लिक्ट होता है कोई भी दो कंट्रीज के बीच में, उसको लेकर रिसर्च करना। इसके साथ एक काम इसका ये है कि जो आर्मामेंट मतलब जो वेपन्स वगैरह बनाए जा रहे हैं कंट्री के द्वारा, उसके ऊपर फोकस करना और उनको कंट्रोल करना। और इसी के साथ डिसआर्मामेंट, डिसआर्मामेंट का मतलब भाई वेपन्स को ख़त्म करने पर भी उनको प्रमोट करने के लिए काम है वो करती हैं। आर्मामेंट, डिसआर्मामेंट और कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो उस पर रिसर्च बेसिकली इसके द्वारा की जाती है, क्योंकि तीनों ही चीज़ें पीस के लिए काफ़ी मतलब रेगुलेट करना इनको ज़रूरी हो जाता है। इसी के साथ ही ये जो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये बेसिकली कंट्रीज़ को डाटा भी प्रोवाइड करवाता है, सोर्स प्रोवाइड करवाता है ताकि पॉलिसी है वो बना सकें, और इसी के साथ ही मीडिया है, अदर जो हम बात करें इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं वो भी इनकी हेल्प है वो करते हैं। अभी कंटेक्स्ट ये था कि भाई इनके द्वारा जो मतलब ये कैलेंडर है, ईयर बुक जारी की गई है, इसके अंदर ये आया कि सबसे ज़्यादा जो वेपन है वो है USA के पास,
फिर है रसिया के पास, और उसके बाद में धीरे धीरे ऐसे कंट्री की लिस्ट है वो शामिल की गई है। तो वो लिस्ट तो हमें रटनी नहीं है, बस हमें ये पता होना चाहिए कि भाई स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो है क्या, और क्या ये बनाया गया है, इसका मोटो क्या है, वो मैंने आपको यहाँ पे सारा पॉइंट है वो बता दिया है। तो देखो ये थी आज की हमारी डिस्कशन, तो फिलहाल की डिस्कशन इतनी ही है। और हाँ, जो PDF है वो आपको वेलकम UPSC का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ से आज से आप लोगों को अपलोड कर दी जाएगी, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड है वो कर सकते हो। तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।